लाल की। तो भक्त चरित्र श्रवण के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं कल बंबई में कथा पूरी हुई तब से ये विचार में था कि किससे प्रारंभ करूं, कहां से आज के स्वरूप का भूमिका का प्रारंभ करूं। परंतु मैंने एक चीज अनुभव की है, अपने 8 वर्ष के व्यासपीठ की सेवा में मैं जब जब विचार करके गया तब तब कथा उल्टी हो गई, जो विचार करके गया वही नहीं बोल पाया। तो इसलिए अब हमने क्या विचार करना बंद कर दिया है, मंच पर बैठ जाते हैं, जो ठाकुर जी प्रेरणा दे दें, बस लाल जी से कहते हैं आप जो आपको भाव लग रहा हो वो आप हमसे अब कहवा देना। तो यहाँ कथा का ये 3 दिन का जो क्रम बना, अब विश्वास मानिए हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, पर एक भाव कि पिछले कुछ दिनों से ठाकुर जी ने इतनी व्यस्तता बढ़ा दी कि सोने की भी फुर्सत अभी नहीं मिल पा रही। तो यहाँ कथा का जो क्रम था, पहले तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हम अगले वर्ष करेंगे, इस वर्ष तो नहीं आ पाएंगे, पर हमारे यहाँ के 2-4 वैष्णव बालकों ने इतने फोन किए, जब उनकी नहीं मानी तो उन्होंने संतों से फोन करवाए, और 2-3 हमारे बड़े संतों के फोन आए, बोले महाराज जी वहां कथा करनी ही पड़ेगी। तो फिर उनकी आज्ञा नहीं माने तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। तो फिर हम जैसे तैसे गिरते पड़ते लुढ़कते पहुंच ही गए हिसार। यही भक्त का पहला स्वभाव, यहीं से प्रारंभ करते हैं। गुरुर आज्ञा गरीयसी, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। एक बात हमने समझी, जानी, भक्त चरित्र सुनकर के, कहकर के, देख करके अनुभव में आई, संसार विचार का विषय है, भक्ति में विचार नहीं करना चाहिए। भक्ति हमारी न्यूनतम तब होने लग जाती है, सूक्ष्म तब होने लग जाती है, भक्ति में बाधाएं तब उत्पन्न होने लग जाती हैं। भक्ति में बाधा क्या है? भक्ति में बाधा सेवा में बाधा भक्ति बाधा है, ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में बाधा भक्ति बाधा है, ठाकुर जी के प्रसाद पधराने में कोई बाधा भक्ति बाधा है, कथा में आकर के मन ना लगना ये भक्ति बाधाएं हैं। ये सब बाधाएं हैं, जहां भगवत संबंधी कार्य हम पूर्ण ना कर पाए वो बाधा है भक्ति में। और भक्ति बाधा आती कब? जब व्यक्ति विचार करने लगता है ये करें कि नहीं करें। वृंदावन गए पोशाक लेने, वो तो 200 की दे रहे हैं, ये 450 लगा रहे हैं। आपने पोशाक में भी विचार कर लिया, जो भाग्या ठाकुर जी के लिए, फिर उसमें विचार मत करो, वो विचार का विषय है ही नहीं। माफ कीजिएगा, मूल्य ज्यादा कम ये होना ये एक पदार्थ को दर्शाता है, भक्ति में मूल्य ज्यादा कम थोड़ी होता है। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कृष्णदास। कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके नेत्रों को जो भा जाए तो वो ये नहीं सोचते थे कि ये मुझे भाया है, वो सोचते थे मेरे लाल जी को भा गया है। उनके कानों को कुछ भा जाए स्वर, वो ये नहीं विचार करते थे कि कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं, मेरे ठाकुर जी को भाया है। हर स्थिति में अपने ठाकुर जी की इच्छा को प्रधानता देते थे। तो ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मी का समय, मन में भाव आया, कृष्णदास जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे, तभी गर्मी लगी तो थोड़ा किसी वस्तु से पंखा कर रहे थे, गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया, उसके बाद विचार किया कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शांत हो। तो मन में विचार आया, बोले जरूर ठाकुर जी को गर्मी लग रही है इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। निकल गए महाराज बाजार में लेने के लिए खरबूज। जैसे ही पहुंचे तो
महीने का पहला फल आया था। लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, दुकानदार से जाके बोला, भैया कितने का लगाया, भाव मोल करो। दुकानदार ने जो भी भाव था उसका, 1 रुपया 2 रुपया बताया, बोले इतने का है, लो। यहां कृष्णदास जी खरीदने लगे, इतने में ही राजा के सैनिक आ गए। सैनिकों ने आकर कहा, बोले नहीं, महीने का पहला फल है, पहले राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ में जाएगा। कृष्णदास जी बोले, यहां तो हमारे लाल जी की नाक कट जाएगी अगर ये फल राजा के यहां गया तो। महीने का पहला फल है, ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए, अब इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं, ये राजा के यहां रहने वाले लोग, इनमें बुद्धि विवेक तो होता नहीं है, केवल तनख्वाह के लिए राजा की जय जयकार करते हैं। हमारे यहां तनख्वाह थोड़ी देते हैं ठाकुर जी, हम तो फिर भी जय जयकार करते हैं, ये राजा के लोग, इसको क्या समझाऊं मैं। कृष्णदास जी उनको समझाते तो बात बिगड़ जाती। कृष्णदास जी ने बोला, भैया देखो, पहले हम आए तो हमको देना चाहिए। दुकानदार बोला, पहले आप आए हो, लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो ये दंड दे सकते हैं मुझे, राजा के लोग हैं, मैं तो इन्हीं को दूंगा। कृष्णदास जी बोले, अगर हम तुमको दुगना रुपया दें तो, 1-2 रुपए की चीज की अगर हम 5 रुपए दें तो भी नहीं दोगे। तो उसका मन थोड़ा लोभ में आ गया, उसने कहा, भैया देखो, आप भले ही राजा के यहां से, लेकिन राजा सबका भला चाहता है ना, अगर इनकी वजह से मेरे घर की रोटी बढ़िया आ जाए तो फिर मैं इन्हीं को दे देता हूं, ये 4 रुपया दे रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा, हम पे कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, लाओ अब हमको दो। 10 रुपया बोला तो कृष्णदास जी बोले, हम 15 रुपया देंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, जेब में लाए 2 ही रुपया थे कृष्णदास जी। लेकिन भक्ति में विचार नहीं करना होता ना, यही तो हम सिखा रहे हैं आपको। लाए 2 ही रुपया थे, लेकिन बातें देखो। सैनिक बोले, भाई राजा की नाक कटेगी, सुनो 20 रुपया देंगे, फल हमको दो। कृष्णदास जी बोले, 25 देंगे, बिना विचार किए हमको दो। करते 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 महाराज मोल पहुंच गया 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले, हम 100 रुपया देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। फल वाला सोच रहा है, ये जल्दी ले में और मैं यहां से जाऊं, मेरी तो छुट्टी, अब तो 1-2 साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, 100 रुपया मिल रहे हैं, उस समय बहुत होते थे। जब 100 रुपए पर अंक पहुंच गया कृष्णदास जी का, सैनिकों ने बोला कि भाई देखो, हम भले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं, अपने राजा की नाक बचाने के लिए रुपया बढ़ाते तो चले गए, लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने कहा 100 रुपए का, तो राजा तलवार निकाल के सर धर से अलग कर देगा। बोले, राज संपत्ति को तुमको सोच ही नहीं रहे हो कि 100 रुपए का फल लाए हो। अंत में राजा के सैनिकों ने हाथ खड़े किए, बोले इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। दुकानदार बोला, लाओ 100 रुपया। कृष्णदास जी बोले, देख भाई, तू मोल निकाल के, तू ये फल निकाल के रख दे, बस हम लेके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लाए लेके आएंगे, लेकिन इसको रख दे। तुरंत गए, ना जाने क्या क्या वस्तुएं सब लगा करके, बेच करके 100 रुपए का फल लेकर के गए। ले जा करके जैसे ही रसोई घर में पधराया, अच्छा हमारे यहां वृंदावन में बंधुओं आज भी एक नियम है, बहुत सावधानी से सुनना। ठाकुर जी के 12-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, हम लोगों को ऐसी विचारधारा है कि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वृंदावन में दोपहर में मंदिर बंद होने का रहस्य शयन करना। ठाकुर जी शयन में नहीं जाते, हमारी आपकी तरह नहीं रोटी खा के पड़ गए, ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं उस समय। तो कभी भी आज के बाद वृंदावन में ये हो कि भाई 12 बज गए 1 बजे, तो किसी से ये नहीं कि ना ठाकुर जी शयन कर गए। कई लोगों को मैंने देखा 1 बजे मंदिर पर, अब तो बिहारी जी के शयन हो गए, नहीं, शयन रात्रि में होता है, दोपहर में तो ठाकुर जी वनचारण के लिए जाते हैं, वन में गए गौचारण करने गए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब ठाकुर जी का उत्थापन होता है 4 बजे के आसपास मंदिर खुलते हैं, तब ठाकुर जी का फलों का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन में हैं और भिलनियां भोग लगा रही हैं, वन में कोई पके हुए पदार्थ तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए फल का भोग लगाते। आज के बाद कभी भी दोपहर में ठाकुर जी का जब मंदिर बंद हो, तो उस समय भाव क्या है कि ठाकुर जी इस समय वन चारण में,
यमुना के तट पे घूमने गए, भांडीर वन गए गैया चरावे नंद बाबा की। इसीलिए कई जगह आपने देखा, देखो सेवा के भी बड़े भाव हैं। श्रीनाथ जी की सेवा, हम छोटे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की सेवा में गैया और ये बच्चिया ठाकुर जी के खिलौने, ये पूरे दिन ठाकुर जी के सामने नहीं रखते, ये केवल तब रखते हैं जब ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। देखो समय तीन ही दिन है आपके पास और मेरे पास भी, कोई कितनों चिल्लावे आवे जावे कूद पड़े आपके ऊपर, आप अपनी दृष्टि यहां से मत हटाना, दृष्टि और कान ये दोनों बस यही रखना। तो हमारे यहाँ नियम है ब्रज में कि ठाकुर जी के आगे गैया, ठाकुर जी के आगे खिलौने, ठाकुर जी की लकुट वगैरह, ये सब राजभोग के बाद धराई जाती है। क्यों? कि अब ठाकुर जी तैयार हो गए वन में जाने के लिए। तो आज भी नियम से सेवा वैसी चलती है, पूरे दिन गैया आदि नहीं रखते ठाकुर जी के आगे। और फिर हर मंदिर की व्यवस्थाएं अलग है, राधा रमन जी की अलग है, राधा वल्लभ जी की अलग है, बिहारी जी की अलग है, श्रीनाथ जी की अलग है, गोविंद देव जी की अलग है, पर सब जगह भाव यही है कि दोपहर में ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं। तो कृष्णदास जी दोपहर में फल ले आए, रसोई घर में लाके फल रख दिया, रसोईया जी को बता दिया जाके, बोले हमने जो है वहां रसोई घर में फल रखा है, अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न थे कि भैया महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में आएगा, ठाकुर जी पाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। रसोईया स्नान ध्यान करके जैसे ही रसोई घर में गए, पूरी रसोई खोज ली, लेकिन महाराज फल नहीं मिला, कोई ले गया उसको वहां से। बाहर आके कृष्णदास जी से कहा, बोले कि कृष्णदास जी अंदर तो फल है ही नहीं। बोले अरे मैंने वहीं रखा है। बोले मैंने देख लिया कहीं भी नहीं है, सब जगह खोज लिया महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसको उठा उसको कोई और ले गया। कृष्णदास जी बड़े व्याकुल हो गए, बोले एक तो मैं अपने लाला की नाक बचावे के काजे राजा के सिपाहियों से लड़ झगड़ के लायो, 2 रुपया के फल को 100 रुपया को लेके आयो, कितनी वस्तु बेच के आ गयो, इस बात का दुख नहीं कि इतना महंगा लाया, इस बात का दुख नहीं कि इतना लड़के लाया, इस बात का दुख कि ठाकुर जी उसको पा ना पाए, कोई और ले गया। बड़े दुखित बैठे थे मंदिर के अंदर, उत्थापन का समय, अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगा दिया। लेकिन कृष्णदास जी का मन बड़ा विचलित, पुजारी जी आए, बोले कोई बात नहीं, अब हमने अन्य फलों का भोग लगा दिया है, अब फिर कभी कृष्णदास जी, अब कृष्णदास जी किस किस को बताएं। अच्छा एक और बात बंधुओं, जो बात बात पे ये बताए ना, मैं तो ये करके लाया था, मैं तो इतनी मेहनत से लाया था, समझो उसको इस बात से चिंता नहीं कि ठाकुर जी ने धारण नहीं की, उसको इस बात की चिंता कि मैंने मेहनत की थी। कृष्णदास जी को ये चिंता ही नहीं थी कि मैंने कितना श्रम किया, उनको ये चिंता थी ठाकुर जी ने पाया नहीं। रोते रहे, सब समझाते रहे कृष्णदास जी को। उत्थापन का भोग जब अनवसर हुआ और पुजारी जी ने बाहर आकर के जैसे ही कपाट खोलने की घोषणा की, सब दर्शनार्थी खड़े हो गए, कृष्णदास जी के भी नेत्र लाल पड़े थे। जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया, ठाकुर जी के उर्ध बाहु के ऊपर वही फल रखा जाता जो कृष्णदास जी लेकर के आए थे। रसोईया लाता उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके ले आए उस फल को और अपनी भुजा में ला करके धारण कर लिया। जैसे ही ये दृश्य कृष्णदास जी ने देखा, मूर्छित हो गए, भाव में प्रवेश कर गए और ठाकुर जी के बार बार बलैया लेने लगे, जय हो नाथ, साचो प्रियतम आप ही हो, बिन गोपाल को नहीं अपनो जासो कीरत रहिए। सूरदास जी कहते संसार के प्रेमी लोग कितना भी प्रेम का आप उनके सामने बखान कर दो, कितना भी अपना प्रेम उनके सामने उजागर कर दो, कभी ना कभी उसका त्याग कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी आपके प्रेम को हृदय से लगा करके रखते हैं।
इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूँ, ठाकुर जी को 56 भोग प्रिय नहीं, ठाकुर जी को इत्र प्रिय नहीं, ठाकुर जी को चंदन प्रिय नहीं, ठाकुर जी को दुनिया भर की पोशाक प्रिय नहीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात प्रिय नहीं, अपने प्रेमी भक्त का भाव प्रिय है। उसका भाव कैसा, उसका भोग ठाकुर जी लगाते हैं। 56 भोग है, इससे ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए भैया भक्ति का पहला सूत्र अपना लीजिए कि भक्ति विचार का विषय नहीं है, विचार नहीं करना है। आप विचार मत करो, बस जो करना भाव मन में आ गया बस कर दो, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। ये विचार उत्पन्न होना और फिर स्वयं को उसके ना योग्य मान करके उस क्रिया को ना करना, ये ठाकुर जी की परीक्षा है। पहले तो आपके हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न करा देंगे कि ऐसा ऐसा मुझे उत्सव करना है ठाकुर जी का, और फिर बाद में आप सोचो अरे हम पर धन तो है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप जैसे ही उस भाव से पीछे हटे, ठाकुर जी आपको परीक्षा में फेल कर देंगे। फेल क्यों? विचार कर रहा है। रैदास जी का चरित्र सुना है? जब ठाकुर जी उनकी सेवा में आए ना, तो रैदास जी अपने ठाकुर जी को, रैदास जी का स्वभाव था कि वो तीर्थों में ही घूमते रहते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी सेवा में आए तब से उनका तीर्थ छूट गया। क्यों? ठाकुर जी को समय पर भोग नहीं लग पाता, ठाकुर जी को यथा उचित स्थान पर बैठा नहीं पाते, क्या करें तीर्थ जा ही नहीं पा रहे थे। तो रैदास जी ने ऐसा बना लिया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नामों से पर्चियां लगा दी, और रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करके कहते कहो लाल जी कहां चलोगे। अच्छा तो आज रामेश्वरम जाना है, ठाकुर जी की चौकी उठाते, नेत्र बंद करते, ओहो देखो कितना सुंदर समुद्र बह रहा है, देखो ठाकुर जी रामेश्वर नाथ भगवान का अभिषेक चल रहा है, लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी की चौकी दो चार बार ऐसी घुमा के रामेश्वरम जहां लिखा होता तो वहीं बैठा, पहुंच गए रामेश्वरम, जय हो, बोलो भगवान शिव की जय हो। रामेश्वरम पहुंच गए ठाकुर जी, और फिर नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को ही बताते, देखो ठाकुर जी अब हम धनुषकोडी पे घूम रहे हैं, अब देखो रामेश्वर भगवान के स्फटिक शिला के दर्शन कर रहे हैं, रामेश्वरम में कितने सारे कुएं हैं, हम उनमें स्नान कर रहे हैं, बैठे अपने गांव में हैं, अपनी कुटिया में हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति भाव क्या रख रहे हैं कि हम रामेश्वरम में। रैदास जी की इस भक्ति का ये स्वरूप हुआ कि जेठ के महीने में अति गर्मी के अंदर यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके चलो ठाकुर जी बद्रीनाथ चल रहे हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी की चौकी बद्रीनाथ में रखी जाती ना, उनके गांव में जेठ के महीने में बर्फ गिरने लग जाती थी। गांव के लोग जेठ के महीना में 100 लोड़ के घूमते, कोई पूछता कहां भयो, बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे, यही मारे बर्फ गिर रही है। तो पहला सूत्र क्या है भक्ति का? विचार नहीं करना है। ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी का कोई सेवा प्रकल्प है, ठाकुर जी की सेवा में कोई वस्तु पधरानी है, उस पर विचार मत करो। बस जो प्रिय है ठाकुर जी को तुरंत ठाकुर जी को अर्पण करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारणिया, सूरदास जी गाते हैं, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटावेन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटावेन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटावेन, सब जग माही
दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो दृढ़ इन चरणन के भरोसा। बंधुओं, लोग दीक्षा ले लेते हैं गुरुदेव से पर दिशा नहीं ले पाते। हमारे मायने में दिशा ज्यादा जरूरी है, दीक्षा ना भी हो चलेगा। लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, स्वरूप ले लेते हैं, कंठी माला ले लेते हैं, लेकिन अपने गुरु की बताई एक बात नहीं करते अपने जीवन में। ऐसे दीक्षा का क्या फायदा? गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा भगवान की भक्ति में और पुष्टता लाएगी। हम भक्त चरित्र सुनने तो बैठे हैं, लेकिन भक्त चरित्र सुन के केवल आपको और मुझको संतोष हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। तो भक्त चरित्र सुन के हमारे जीवन में भी वैसी भक्ति के कुछ प्रभाव प्रकाश पड़े, ये चाहते हैं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरु की आज्ञा पर विचार। सूरदास जी तो कहते हैं, भैया व्रत नियम साधन नाम जप एकादशी आदि ये सब ना भी करो चलेगा, लेकिन कलयुग में यदि ठाकुर जी के चरण और ठाकुर जी के गुरुजनों के प्रति विश्वास भरोसा नहीं है तो साधन और नाहिया कलि में, साधन और नाहिया साधन और नाहिया कलि में, साधन और नाहिया कलि में जासो आज्ञा को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के साधन कर रहे हैं। तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे यदि गुरु आज्ञा नहीं मानी तो। भगवान के भक्ति भाव में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। सूर कहा कहे दुविध आधरो, विश्वास का भी बंधुओं एक स्वरूप होता है। किस आकांक्षा से, किस उद्देश्य से विश्वास किया जाता है। कई बार हमारा ठाकुर जी में विश्वास इसलिए होता है क्योंकि हमें ये अंदर भाव रहता है कि ये हम पर कृपा करेंगे। कृपा किस रूप में मांग रहे हैं हम ठाकुर जी से? हमारे जीवन में सब सुखद हो जाए, सब आनंदित हो जाए, हमारे सब काम धंधे बढ़िया चले, सब बढ़िया रहे, ये कृपा यदि आप मांग के ठाकुर जी पे भरोसा कर रहे हैं तो भरोसा भी नहीं करो तो चलेगा। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, अशुल्क दासिका, हम आपकी अशुल्क दासी, बिना मोल को चेरो, मतलब हमें आपसे कृपा की भी इच्छा नहीं है। आप हम पर रीझ हो, आप हम पर कृपा करो, हमको ये भी अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं, बस राजी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। भक्ति का बहुत बड़ा सूत्र है बंधुओं, ठाकुर जी से कोई मांगो मत, कुछ दो मत, बस आप प्रसन्न रहो, आपको जिसमें राजी हम उसमें राजी, तत् सुखे सुखित्वम। भक्ति विचार का विषय नहीं है, उसमें विचार मत करो, भरोसा रखो, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब पूर्ण होगा। गुरु के प्रति, ठाकुर जी के चरणों के प्रति
दृढ़ विश्वास। कर्मा बाई, कर्मेती बाई, नाम सुना है? कर्मेती बाई मीरा बाई के समान ही भगवान की भगवत भक्ता थी। ब्याह जिस दिन था ना कर्मेती बाई का, उसी दिन चली गई वृंदावन। माता पिता की बात मान करके पहले तो मना किया नहीं ब्याह के लिए, लेकिन जिस दिन ब्याह था उस दिन मन में विचार करने लगे, कैसे किसी अन्य का वर्ण कर लूं मैं, और वो भी ऐसों का वर्ण जिनमें भक्ति का एक लक्षण तक नहीं। आजकल हम लोग वर्ण करते हैं तो क्या देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे कन्या वर का वर्ण करे चाहे वर कन्या का वर्ण करे, हम दो चार चीजें देखते हैं, एजुकेशन कैसी है, परिवार कैसा है, रूप कैसा है, धन कितना है। कभी ये विचार किया बायोडाटा, मैंने तो किसी के में लिखा नहीं देखा कि भैया हर महीने वृंदावन जाने आए, इतनी भक्ति है, 10 माला रोज करती है कन्या, कभी बायोडाटा में लिखा? यहाँ जितने भी भाई लोग और बहन लोग बैठे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, अपने बायोडाटा में ये मेंशन करवाना, आप कितनी माला करते हो। सारे जो ग्रेड्स लिखते हैं ना कि उस कॉलेज में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, इतनी एजुकेशन आदि, वो जो भी है, और एक्सपीरियंस में भी लिखते हैं कि इस कंपनी में जॉब किया आदि आदि, बायोडाटा सब देखे हैं। उनमें सबसे ऊपर जहां पर एजुकेशन वाला आता है, क्या क्या पढ़ा है, करते हैं, हॉबीज क्या है, वो सब क्या है, वहां पर सब जगह ये मेंशन करवाना है कि बिटिया जो है वो रोज 11 माला करती है हरिनाम। और फिर एक्सपीरियंस में कहीं एकाध जगह राधा रमन जी की कृपा का भी उल्लेख कर देना। भाई साहब, यदि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं होगा तो बायोडाटा से ही मना कर देगा कि हम इनके योग्य नहीं है। वैष्णव लक्षण हो तब स्वीकार किया जाए किसी व्यक्ति को। और ये पहले हिसार से ही प्रारंभ हो कि भाई हिसार से बायोडाटा आते हैं तो उनमें ये लिखा आता है कि कितने नाम जापक हैं, कितना वृंदावन जाते हैं, गुरु जी कौन है, घर में राधा माधव की सेवा होती है, यही हॉबी है बच्चों की, उन्हीं की सेवा में ही उनको सुख मिलता है। ये बातें हम कहां मेंशन करते हैं? हम केवल वो चीज दिखाते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। यदि वैष्णव होगा सामने वाला तो वो इसी चीज से ही प्रभावित हो जाएगा। आपको पता है रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था, कभी ठाकुर जी मिले तो थे नहीं रुक्मणी जी से, लेकिन पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और रुक्मणी जी ने सबसे पहली बात क्या लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शनवतांते निर्विश्य करण विवरई हर तुंग तापम। वैसे तो यहाँ पे हम आप सब लोग सब श्री जी वारे हैं रुक्मणी जी को कहा काम, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी बंधुओं कौन है पता है आपको? श्री जी की भक्ति का अधिकार देती हैं श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी अधिकारी सेविका है ना ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। विवाह का मतलब पति की देखरेख, पति का ध्यान रखे, पति का सब संभाले आदि करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है। श्री जी की देखरेख संभाल तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, तो उनसे ब्याह थोड़ी होगा, वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की। तो रुक्मणी जी को प्रणाम करने से श्री जी जी की सेवा मिलती है, ठाकुर जी की सेवा भी मिलती है। बड़ा विषय, उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास भिजवाया, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, ब्राह्मण ने आगे कहा, बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। बोले निज पत्र हुआ तो? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से वैसे भी क्या छुपा है, और हमारा छुपा रहता भी क्या है, सब तो पता चल जाता है सबको। कथा आती है राम जी और जानकी जी,
दोनों जब रात्रि में कनक भवन में चले जाते हैं तो उसके बाद वहां इनकी लीला होती है, मान लीला, दान लीला। हमारे कन्हैया तो बेचारे बेमतलब में बदनाम कर दिए, इनके गुरुजी तो राम जी हैं, राम जी ने जितनी लीला करी है उन लीला जो अधूरी रह गई वो ठाकुर जी ने करी है हमारे इनने। राम जी तो बड़े लीला पुरुषोत्तम राम जी भी खूब है, लेकिन हाँ थोड़े संकुचित हैं, संकोची हैं। तो कनक भवन में आज रात में राम जी से श्री जी बोली, किशोरी जी, सीता जी बोले कि आज आज कछु नयो करेंगे लीला में। बोले कहा करनो है? अच्छा लीला की बात आती तो हमारी ब्रजभाषा ही निकलती है, भले राम जी के चरित्र की हो। राम जी बोले क्या करेंगे? बोले आज एक काम करो, हम बनेंगी राम, तुम बनो सीता। राम जी बोले नहीं नहीं ये सब उचित नहीं है, आप ऐसे ही रहो, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसी कोई नहीं। बोले नहीं 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 आज तो आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपका धनुष बाण और मुकुट धारण करेंगे। नहीं मानी श्री जी तो फिर राम जी मान गए, बोले ठीक है करेंगे। तो पहले तो श्री जी राघव के वेश में आई, किशोरी जी सीता जी, उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, वाह आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी। श्री जी बोले अब आप जाओ अपना श्रृंगार करके आओ। तो राम जी गए और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारण करके आए ना तो श्री जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बंद होने लगे, गिरन लगी। राम जी ने समझ कहा भयो, बोले कि आप या तो कोई काजल आदि कैसे भी रूप बिगाड़ के आओ अपनो, नहीं तो हम देख नहीं पा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हो आप कि हमारे हमें मूर्छा आ जाएगी अभी। तो फिर राम जी थोड़ा काजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी ने उनको निहारा। क्यों? बोले आप पूर्ण व्यवस्थित श्रृंगार में रहोगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आपको। तो राम जी बेचारे अपने काजल वाजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी बोले हाँ अब ठीक है। तो रात्रि में आज किशोरी जी राम जी बनी है और राम जी किशोरी जी बने। लेकिन बंधुओं यहाँ कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं, लेकिन बाहर सरजू जी के तट पर बैठे हुए गुरु वशिष्ठ वो नेत्र बंद करके रात भर श्री जी और ठाकुर जी का स्मरण करते थे। भले ही सूर्योदय के बाद गुरु रूप में रहते थे लेकिन रात्रि में वो अपने भक्ति भाव में आ जाते थे। तो रात्रि में आज जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए तो क्या देखा, राम जी तो गोरे हो गए और श्री जी जो है सांवली हो गई हैं। क्यों? बोले आज तो अदला बदली हो गई ना, अंतःपुर का दर्शन उनको जैसे ही ध्यान में हुआ तो वो तो विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ, ये मुकुट पहन के धनुष धारण करके राम जी बड़े गोरे गोरे घूम रहे हैं और हमारी जानकी जी आज सांवली हो गई है, ये परिवर्तन कैसे हुआ? थोड़ी बहुत देर तो उन्होंने दर्शन किया लेकिन उनके मन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतने में कमंडल उठाया, निकल गए कनक भवन की ओर, बोले चल के देखूं क्या हो रहा है। अब जैसे गुरुदेव आए तो बाहर से सखियों ने नारे लगाए, बोले सावधान गुरुदेव पधार रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना राम जी भागे, बोले अरे गुरुदेव आ रहे, गुरुदेव के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, वो जब चाहे तब पहुंच जाए राम जी के कक्ष में। राम जी भागे, गुरु अपनी चुनरी फुनरी उतारे, बोले जल्दी जल्दी बदलो गुरुजी आ जाएंगे अभी। काजल वाजल मिटाए, मुक्की लाली मां ठीक करी, श्रृंगार वृंगार सब उतारा, जल्दी पल्दी राम जी अपने रूप में आ गए और श्री जी अपने रूप में आ गए। जैसे ही प्रमुख द्वार में भीतर प्रवेश हुआ, वशिष्ठ मुनि आए, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम भगवान। वशिष्ठ जी बोले हम देखने आए थे। बोले क्या गुरु जी, कोई दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत नहीं, बस याद आ रही थी आप दोनों की तो हमने कहा चलो देख लें चल के, सब ठीक तो है। लेकिन वशिष्ठ जी अपनी आंखें गाड़ के दोनों को देख रहे, कुछ तो गड़बड़ है। अंत में सब ठीक निकला तो वशिष्ठ जी वहां से जाने लगे, तो जाते जाते उनकी दृष्टि गई राम जी की मांग पे जो की भरी हुई थी। और जैसे ही राम जी की मांग देखी सो वशिष्ठ जी मुस्कुरा गए। राम जी ने देखा ये कहां देख रहे हैं, जैसे ऐसे क्यों? बोले गुरु जी सब कृपा आपकी, नहीं नहीं आप लोग रहो हम निकलते हैं, गुरु जी चरणों को आप किसी से कहना मत, आप तो अंतर्यामी हैं, माँ को मत बता, कोई बुराई नहीं लेकिन सब परिहास करेंगे, आप किसी से कहना नहीं। वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी कितने भोले हैं, हृदय से लगा लिया, बोले आप चिंता मत करो हम किसी से नहीं कहेंगे।
और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात की आज हिसार में मंच पे हम सुना रहे हैं आपको, पूरी दुनिया को पता चल गई। ठाकुर जी की कितनी भी निज लीला हो छुपी तो रहती नहीं है, सब पता चल जाता है सब लोगों को। कितनी भी अंतरंग चर्चा हो ठाकुर जी की कोई छुपी है तो भगवान कृष्ण बोले पत्र पढ़ के सुनाओ, कितना भी निज हो निज रहता कहां है, हमारा तो सब तुरंत पुराणों में उल्लेखित हो जाता है। क्यों ठाकुर जी की लीला निज क्यों नहीं रह पाती बंधु, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि भक्त अपनी भक्ति की साधना से नेत्र बंद करके ठाकुर जी को धारण करके हृदय में ही ठाकुर जी के उस मधुर गोपनीय रहस्य को देख लेता है, इसलिए ठाकुर जी की लीला निज नहीं रह पाती। चाहे स्वामी श्री हरदास जी हो, चाहे हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, सबने ठाकुर जी के उन रहस्यों को कैसे लिख दिया, ये प्रत्यक्ष तो थे नहीं वहां पे। ठाकुर जी भक्ति में ये भक्ति ही चाबी है, ठाकुर जी को नाम ही चाबी है उनके निज स्वरूप लीला को प्रकट करने का। भगवान बोले ब्राह्मण से पढ़ के सुनाओ पत्र में क्या भेजा है रुक्मणी ने, तो ब्राह्मण ने पहले श्लोक का पहला शब्द ही पढ़ा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते। अर्थ क्या है, बोले रुक्मणी जी कह रही है मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, पर मैंने आपकी कथाओं में बहुत आपका यश सुना है। बस ये बात सुनते ही भगवान बोले सुनो पत्र बंद कर दो। बोले पूरा तो सुन लीजिए, बोले नहीं 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 इसके आगे हमें सुनना ही नहीं है। बोले तो क्या करें पत्र वापस भेज दो, बोले नहीं चलो ब्याह करके आते हैं इसी से जिसने पत्र। तो ब्राह्मण बोला अरे पहले जान तो लीजिए पहचान तो लीजिए, बाकी के गुण भी तो पूछ लीजिए, आगे के पत्र में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हमसे जांच करवा लीजिए, कन्या कैसी है, नाक कैसी, आंख कैसी, परिवार कैसा। ठाकुर जी बोले इसने पत्र में जो पहली बात लिखी है ना उसके आगे अब हमें कुछ नहीं देखना। वो कह रही है कि उनको मेरी कथा बहुत प्रिय है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते, और वो कथा की रसिक है, कथा की प्रेमी है, इसलिए वो मुझे प्रिय है, चलो ब्याह करेंगे। और रुक्मणी जी से जाकर के ठाकुर जी ने ब्याह किया। कैसा स्वभाव स्वरूप है ठाकुर जी का, बस प्रिय भाव कोई प्रस्तुत कर दे तुरंत स्वीकार करते हैं उसको। तो कर्मेती बाई ने जिस दिन ब्याह था उसी दिन घर छोड़ के चली गई। क्यों, क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिनसे ब्याह होने वाला है उनके घर में कोई भक्ति भाव कुछ है नहीं, पिताजी की केवल बात बनी रहे इसके लिए ब्याह करना, मैं कैसे पूरा जीवन जीऊंगी। और ये जीवन ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके अनुग्रह करके हमको मानव बनाया है, अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया भक्ति भजन करके, ठाकुर जी को नेत्रों में निहार के, ठाकुर जी की भक्ति करके, तो किस लिए जी रहे हम लोग। कर्माबाई ने पहले तो माता पिता को हृदय से प्रणाम किया, क्षमा मांगी, बोले माता पिता को हृदय को ठेस पहुंचाने का जो दंड मिलना चाहिए बालक को नाथ, मैं उस दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक भक्तिहीन व्यक्ति के साथ जीवन नहीं जी सकती, क्षमा करो। और ऐसा कहते ही कर्माबाई निकल गई, कहां सीधे वृंदावन, वृंदावन पहुंचे। यहां कर्माबाई के पिताजी, कर्मेती बाई के पिताजी, कर्माबाई अलग हैं, कर्मेती बाई के पिताजी खूब ढूंढा नहीं मिली, वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को, समझ गए निश्चित वृंदावन गई होगी। तो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में दो चार वैष्णवों को वार्ता करते सुना, वे लोग कर्मेती बाई की वार्ता कर रहे थे, तो पिताजी ने जाके पूछा ये जिनके बारे में आप वार्ता कर रहे हैं कौन है, बोले कर्मेती भाई बड़े बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाती हैं, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देख के सब आनंदित हो जाते हैं, या तो ठाकुर जी की मूर्ति हिलने लग जाती है, या तो वहां कोई ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, अद्भुत सुगंधी आ जाती, कर्मेती भाई के मंदिर में आते ही कुछ ना कुछ विशेष होता है।
करमेती बाई के पिताजी पूछते पूछते करमेती बाई के पास पहुंचे। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ एक आसन में बैठी राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। अश्रुधार गिर रही है नेत्रों से। इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देख करके विलग विलग करके रोने लगे। जब करमेती बाई के नेत्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा। उठ करके गई, नेत्रों के आंसू पहुंचे, बोली बेटा तूने क्या किया। विवाह वाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, छोड़ के भाग आई वहां से। तेरे पिता की नाक कट गई, पूरे पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बार तो विचार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी। तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे लिए घर बनवाता यहाँ पे, तेरे पति के साथ तुझे यहीं रखता, सब करने को व्यवस्थित कर देता, ऐसे आना ये कहां तक उचित था। करमेती बाई ने जो उपदेश दिया ना बंधुओं, इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना, क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें। करमेती बाई कहती है, पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप, कौन सी नाक कट गई आपकी, आप केवल मान प्रतिष्ठा यश वैभव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं, पर वास्तव में आपकी नाक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो उनकी मानो जो कृष्ण भजन करते हैं, जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ति हो, जिनके पास में वृंदावन युगल चंद की भक्ति हो, उनकी नाक होती है। जिनके पास वैभव होता है, ऐसे रावण की बहन थी सूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। क्यों? राम की भक्ति नहीं थी हृदय में। पिताजी नाक तो आपकी पहले ही से कटी हुई है, मैंने क्या काटी। आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं, कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं, भक्ति भाव को प्रधानता दी नहीं, कौन सी नाक की बात कर रहे हो आप। करमेती बाई का वो भाव सुन करके उनके पिताजी स्तब्ध रह गए, और स्तब्ध रह करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक क्या किया, केवल यश वैभव मान प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी, इसी के लिए विचार किया, और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में भेज रहा था। करमेती बाई की बात सुन करके उठ गए, ठीक है बेटा तू प्रसन्न रहे, तेरी भक्ति बढ़े, बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीष है कि तुझे अपने जीवन में श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही जाने लगे, करमेती बाई ने अपने सेव्य ठाकुर जी अपने पिताजी को दे दिए, लो पिताजी इनको ले जाओ, मेरा जो अभाव आपके और मां के जीवन में है वो ये पूर्ण कर देंगे, अब इन्हीं को ही अपनी करमेती बेटी समझ लेना, इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लेना, इन्हीं की सेवा करो। आज भी करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में, स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहां की थी वो, वहां विराजते हैं। स्वयं तो भक्त थी ही, परंतु अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती बाई ने। एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के राजा ने करमेती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। पिताजी करमेती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही, बोले वो तो कह रहे मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया। दौड़ करके गए तो देखा अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे, तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मंद। बोले ये है मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजा धीराज की पदवी पर करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे। बोले यही है राजा, यही है श्रेष्ठ। तो भक्ति में बंधुओं विचार नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आना चाहिए। संशय युक्त हैं, विचार युक्त हैं, सोच युक्त हैं, तो हम अभी भक्ति में कहीं ना कोई कमी कर रहे हैं। जहां विचार नष्ट हो जाएं,
जहां पर संशय नष्ट हो जाए, जहां पर तर्क वितर्क नष्ट हो जाए, समझो अब भक्ति प्रारंभ हुई है। विचार नहीं करना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। Yeah.
लाल जी बिहारी जी वृंदावन में नहीं बसते, वृंदावन में नहीं मिलते। श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी वृंदावन में नहीं मिलते, ये वहां मिलते हैं जिनके हृदय में वृंदावन बहता है। जो तन से वृंदावन गया उसको राधा रमन जी दिख गए हो, गलत कह रहा है वो। तन से देखने वाले को राधा रमन जी वृंदावन में मिलेंगे ही नहीं, राधा रमन जी उसको दिखते हैं जो मन से वृंदावन जाता हो। तो हिसार रहो, जय हो, हिसार में रहो, रोहतक में रहो, सिरसा में रहो, लेकिन तन भले ही आ रहे, मन से वृंदावन में जाओ। तब ओ कहीं तो मिले व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। अब देखो, ये उस बात का उत्तर है कि जब हम